तो दोस्तों नोकिया ने एक और फोन लॉन्च करने जा रहा है इंडियन मार्केट में। और दोस्तों ये फोन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड और बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि किसी पे ब्लिप हो ना हो, नोकिया पे ब्लिप जरूर होता है। क्योंकि दोस्तों जब एक समय में नोकिया ने ये फोन लॉन्च किया था तो दोस्तों हर हाथ में यही फोन आपको देखने के लिए मिलता था। और दोस्तों अभी तो 5G लेके आ रहा है नोकिया ने, और दोस्तों ये 5G फोन जो है आपको देखने के लिए बहुत जल्द इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला है। तो दोस्तों ये फोन का नाम होगा नोकिया G400 5G, और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा फोन होने वाला है। और दोस्तों अगर आपने ये छोटा फोन यूज किया हुआ है तो दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, और दोस्तों कैसा फोन रहेगा, कब तक आपको इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलेगा, क्या प्राइस होने वाला है, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों नोकिया G400 5G जो है ये फोन आपको कब तक इंडिया में देखने के लिए मिलेगा, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद कुछ इसके बारे में बात करने वाले क्या प्राइस होगा, कब तक लॉन्च होगा इंडिया में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले से, बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके डिस्प्ले की, तो 6.58 इंच का फुल आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि IPS LCD डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो दोस्तों बात करें इसके रिफ्रेश रेट की, तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है। और दोस्तों इसमें बात करें इसके ग्लास की, तो आपको गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन आपको दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी होता है। और दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट साइड में आपको कैमरा जो मिलने वाला है तो 16 मेगापिक्सल का फुल HD 30 FPS में आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर पाएंगे, सेल्फी कैमरा बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला। और दोस्तों चलिए बैक साइड में चलते, बैक साइड में कुछ इस तरह का डिजाइनिंग आपको देखने के लिए मिल जाती, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। तो दोस्तों बैक साइड में आपको 3 कैमरा मिल जाता है, साथ ही आपको फ्लैश लाइट आपको देखने के लिए मिल जाता है। और बैक कैमरा की बात करें तो आपको रियल कैमरा जो कि आपको प्राइमरी कैमरा मिलने वाला वो 48 मेगापिक्सल का मिलने वाला, और सेकेंड कैमरा जो कि अल्ट्रा कैमरा होगा वो 5 मेगापिक्सल का, और थर्ड कैमरा की बात करें तो वो डिप्ट कैमरा होगा जो कि 2 मेगापिक्सल का आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कि आप 4K वीडियो रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। तो प्रोसेसर जो दिया जाएगा वो आपको कुलकॉम के तरफ से दिया जाएगा, स्नैपड्रैगन 480+ का दिया जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा। दोस्तों इसका रैम की बात करें तो 4GB रैम और 64GB आपको इंटरनल देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों जो इसका चार्जर की बात करें तो 20W का चार्जर, साथ ही आपको 5000mAh का बैटरी देखने के लिए मिल जाएगा टाइप सी कोड के साथ। तो दोस्तों बात करें इसमें डुअल सिम कार्ड आपको मिलने वाला है, साथ ही एक ही स्लॉट में आप SD कार्ड भी यूज कर पाएंगे। और दोस्तों इसका मोटापा की बात करें तो आपको 8.8 mm का आपको मोटापा मिलने वाला है, साथ ही वेट की बात करें तो 198 ग्राम्स का आपको वेट मिलने वाला है, वेट भी ज्यादा कुछ मिलता नहीं। और दोस्तों अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है 14,999। तो दोस्तों इतना प्राइसिंग मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा फोन इतने प्राइस में आपको मिलने वाला है। और बात करें इसके लॉन्चिंग डेट की, तो लॉन्च आपको देखने के लिए मिल जाएगा 18 तारीख को, जो कि आपको 2023 में यानी कि जनवरी के 18 जनवरी को 2023 में देखने के लिए फोन आपको इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया किस तरह का फोन है, कैसा फोन है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, डिसाइड कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही और भी जानकारी लेना चाहते हैं किसी भी फोन के बारे में, सबसे पहले अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।